हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दी सेल। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिन निफ्टी में हम कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के दिन फिन निफ्टी का हमारा एक्सपायरी और उसके डॉट टू डॉट लेवल्स हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम निफ्टी बैंक के बारे में कि कल के दिन निफ्टी बैंक में हम कैसे कामकाज कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कल के दिन हमने मार्केट एनालिसिस में बताया था, वही लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए अभी भी। कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो, वही लेवल्स आपको आज के दिन भी दिखेंगे। और जो भी हमने कल के दिन यहाँ पे एनालिसिस किया था, जो भी लेवल्स डॉट टू डॉट लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, उस लेवल के साथ ही मार्केट आज के दिन भी कामकाज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने क्या कहा था कि मार्केट इस लेवल के अपर साइड में रहेगा तो एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, अगर नीचे रहेगा तो नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। अप टू आपको टारगेट दिया था अपर साइड में और लोअर साइड में। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। उस 15 मिनट चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अपर साइड का मोमेंटम दिया, टारगेट छोटा सा मिला, लेकिन फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश की। यहाँ पे हमने डबल लाइंस इसलिए ड्रॉ किए हैं, कल के वीडियो में भी जाके देख सकते हो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूडल लेवल है। जब भी मार्केट इसके बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये खींच के फिर से इसी लेवल के आसपास लेके आएगा, इसीलिए हमने इसको डबल टैप ये किया है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कल के दिन कैसे कामकाज करेंगे। अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इसके अपर साइड में अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के अपर साइड में, तो यहाँ से फिर से 44,000 के आसपास आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए आपको मिल सकता है, वापस मार्केट इस लेवल के आसपास आ सकता है। अगर यहाँ पे जाता है 44,000 के आसपास, फिर वहाँ से एक सेलिंग आपको 43,566 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, 43,857 को अपर साइड में तोड़ेगा तो आप 44,000 के आसपास आप टारगेट लेके निकल जाओ। अगर आपको पुट खरीदना है इस जगह पे, तो आप यहाँ से पुट के लिए बैठ सकते हो, फिर आपका टारगेट होना चाहिए 43,566। फर्स्ट टारगेट आपका 43,857, सेकंड टारगेट के लिए 43,566 के आसपास बैठ सकते हो। ठीक है, अभी बात करेंगे हम गैप डाउन। देखिए, छोटा सा अगर गैप डाउन बड़ा हो जाता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा एक बाइंग देखने की कोशिश करूँगा, जो कि 43,566 के आसपास आ सकती है। फिर उसके ऊपर हमें 43,857 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद उसको हम ऐसे ये कर सकते हैं कि फ्लैट आप देख सकते हो इस लेवल के आसपास, अगर मार्केट जो हमने डबल लाइंस ये किए हैं इसके आसपास अगर कुछ प्राइज एक्शन दिखाई देता है और अपर साइड में ब्रेक करता है, तो अपर साइड में 43,857 और 44,000 के लेवल्स के आसपास हम जा सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर प्राइज एक्शन बनता है तो हमें फिर से 43,250 और 42,943 के आसपास लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इस लेवल को आप अपने ध्यान में रखें। तो अभी हम बात करेंगे निफ्टी में हम कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। देख सकते हो कि हमने अगर देखी इस लेवल को अगर गैप अप के साथ हम तोड़ देते तो यहाँ से आपको एक बाइंग का पोजीशन तो यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लेता है प्राइज एक्शन के साथ, तो आपको फिर से नीचे की तरफ लेवल्स दिखाई देंगे। अगर 19,874 के अगर अपर साइड में ही ओपन होता है तो आपको एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर 20,000 के आसपास आपको टारगेट मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट के लिए जा सकते हैं 19,670 के आसपास। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को कहीं भी इस रेंज को मार्केट अपर साइड या डाउन साइड में तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम उस साइड में जाने की कोशिश करेंगे। अपर साइड में 19,812 और 19,874 सेकंड टारगेट, नीचे की तरफ 19,514 का हमें फर्स्ट टारगेट, और उसके नीचे 19,300 तक भी मार्केट जा सकता है। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कल के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी, हम एक्सपायरी में कैसे कामकाज कर सकते हैं। ठीक, अब देख सकते हो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल की अपर साइड में ही गैप अप ओपन होता है, तो मैं यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता हूँ, जो कि 19,666 के आसपास मेरा टारगेट होगा।
उसके ऊपर 19,700 तक भी मार्केट जा सकता है, वहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकते हैं, फिर आपको लेके आ सकते हैं 19,666 और 19,555। ठीक है, इस लेवल को आप टारगेट बना के चल सकते हो नीचे की तरफ। सेकंड टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट 19,750। और अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो मैं यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और 19,555 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद किसी भी रेंज को अगर अपर साइड या यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो हमें अपर साइड में 19,666, 19,750 और नीचे की तरफ 19,300 तक भी मार्केट ईजिली कवर कर सकता है। ठीक है, ये जो भी लेवल्स अभी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो इसी लेवल के साथ आप कल के दिन कामकाज करेगा बहुत ही अच्छा, ये लेवल्स कल के दिन कामकाज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।